बाहर भेजने का कारण क्या है अब्दुल रोजिक को, और क्या अब्दुल रोजिक घर में दोबारा से री एंट्री लेंगे। अभी री एंट्री को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट जो है हमारे हाथ लगी है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस अब्दुल रोजिक जो है काफी ज्यादा क्यूट है, अब्दुल रोजिक को जनता जो है काफी ज्यादा पसंद करती है। अभी हाल ही में ही जो साजिद खान ने जिस तरीके से अब्दुल रोजिक को डांटा, ए इधर आ तू ऐसा मत कर, और पीठ पे टट्टी लिख दिया, ये सब चीजों के ऊपर मुद्दा तो उठाते हुए वीकेंड के वार में नजर आएंगे सलमान खान, जो की आप लोगों ने प्रोमो में देख ही लिया है। पर प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा मेकर जो है पैसा कमाने के लिए पड़े हुए हैं, और इसीलिए जनता को काफी ज्यादा बोर कर रहे हैं। इसी बीच में आप लोग आज अब्दू को जो है घर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अब्दू की तबीयत खराब हुई है, मेडिकल रीजन के कारण जो है वो घर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा आप लोगों को पता है। इसी बीच में अभी ये भी अपडेट आ रही है कि जैसे साजिद जिस तरीके से ट्रीट करती है अब्दू को और अब्दू के बारे में, और काफी सारी उन्होंने चीजें जो है लिखी है, उनकी पीठ पे लिखा है काफी सारी चीजें, जिसके ऊपर जो है उनके जो मैनेजर है अब्दुल रोजिक की जो टीम है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेकर्स को जो है कदम उठाना चाहिए साजिद के ऊपर, जो कि कदम तो उठाते हुए नजर आएंगे वीकेंड के वार पे। पर इसी दौरान ही मेडिकल रीजन के कारण घर से बाहर गए, काफी सारी जगहों पर आप लोग ये बात सुन रहे होंगे कि अब्दुल रोजिक अभी री एंट्री नहीं लेंगे, उनके पासपोर्ट का चक्कर हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, ये सरासर फेक है। अब्दुल रोजिक बहुत जल्दी जो है घर में री एंट्री लेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई है जिनका सेटलमेंट जो है अब्दुल रोजिक को बाहर जाके भी करना है, और उनके बैक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और उनको बेड रेस्ट जो है वो चाहिए, घर में रहकर बेड रेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो घर से बाहर कुछ दिन के लिए गए हैं, पर आएंगे वो पक्का वापस दोबारा से। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।